गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस योर मैथ्स क्लास एंड टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 6। यूज द डॉट्स टू फॉर्म द लेटर्स सी आई एल टी यू एंड वेरीफाई देयर पैरामीटर्स। देखिए शेप्स ये फिगर्स दिए ना, इनमें पैरामीटर नीचे शो हो रहे हैं, तो हमें अपने इसमें पैरामीटर पहले कैलकुलेट करने होंगे और फिर चेक करना है कि ये हमारे पैरामीटर सही है या नहीं। ये पैरामीटर नीचे दिए हुए ना, अगर हमारे भी ऐसे आएंगे तो ये हमारे वेरीफाई हो गए सही है ना। देखिए सेम ये दिए हुए, इसमें हमारी फिगर दी हुई है सब, ये 4 हो गए ना, ये 3 है, 1 2 3, ये 1, ये 2, 1 2 1 2 1 1 2 3 3 है, 1 2 3 4 है ना, तो 4 3 3 1 2 2 2 1, तो कितने हो गए, 4 3 7 1 8 2 10 2 12 2 14 1 15 plus 3 18, ये 18 यूनिट्स है ना, तो हमारा पैरामीटर वेरीफाई हो गया। अब देखिए इसमें क्या आई शेप है, तो हम पहले इसको पेंसिल से ज्वाइन करेंगे इन डॉट्स को। ज्वाइन हो गया ना, ये 1 और ये भी 1, अब ये में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10, अब देखिए इसमें भी 10 यूनिट्स दिए हुए ना, तो हमारी ये सही है, पैरामीटर सही दिया हुआ है। L, अब देखिए हम पहले जॉइंट करेंगे, ये जॉइंट हो गया ना, अब इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 आ रहा है ना, और ये पैरामीटर नीचे 14 दिया हुआ है, 14 यूनिट्स, तो ये सही है। अब ये वाला मिलाते हैं हम ये डॉट्स, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है ना, ये हमारे ये इसमें पैरामीटर इक्वल टू 18 यूनिट्स दिए हैं, तो ये सही है। देखिए यू बनाना ना, ये पहले हम ये डॉट्स को मिला लेते हैं, अब ये काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 यूनिट्स है ना हमारे इसमें पैरामीटर में भी, पैरामीटर इक्वल टू 18 यूनिट्स है, तो ये सही है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें ये पिक्चर देख के इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, एडजेसेंट पिक्चर शोन इज ऑफ अ किचन गार्डन विच इज अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड। ये किचन गार्डन दिया हुआ है ना, तो स्क्वायर में है, और हम इसमें फाइंड द पैरामीटर ऑफ द टोमेटो एंड ब्रिंजल प्लांट पैचेस। हमें इसमें टोमेटो और ब्रिंजल के प्लांट्स लगे भी हैं, तो हमें बताना है कि कितने स्क्वायर फीट में टोमेटो के प्लांट्स हैं और कितने में ब्रिंजल के। देखिए टोमेटो प्लांट्स 80 meters, ये टोमेटो प्लांट्स है ना, ये वाली ये स्क्वायर में है फील्ड, तो ये हमारे 80 meters में, 80 meters का प्रिंट हो गया
80 मीटर्स में एक टोमेटो प्लांट्स हैं और टोमेटो प्लांट्स इधर 20 मीटर्स में इधर भी हैं। तो हमें इसको फाइंड करना है, कैसे करेंगे हम इसका पेरीमीटर फाइंड करना है ना। तो हम देखिए कैसे करेंगे, पेरीमीटर ऑफ टोमेटो प्लांट्स, ये देखिए ये यहां से यहां तक 50 मीटर है ना। देखिए ये यहां तक 10 मीटर है, यहां से यहां तक 20 मीटर हो गए, तो यहां से यहां तक 50 मीटर। तो 80 मीटर ये आ गए, 80 मीटर प्लस 50 मीटर ये वाले आ गए, ये यहां से यहां तक 20 मीटर ये आ गए, फिर ये वाले 20 मीटर यहां से यहां तक, ये 20 मीटर ये हो गए, फिर ये यहां से यहां तक ये 20 मीटर ये हो गए, फिर ये यहां से यहां तक 60 मीटर, ये 60 मीटर यहां हो गए, फिर यहां से यहां तक 50 मीटर, ये 50 मीटर। अब हम इनको प्लस कर देंगे, 80 प्लस 50 130, 130 प्लस 20 150, 150 प्लस 20 170, प्लस 20 190, प्लस 60 250, प्लस 50 300, तो कितना हो गया टोमेटो प्लांट 300 मीटर का। ओके अब ब्रिंजल प्लांट, ब्रिंजल प्लांट देखिए, पेरीमीटर ऑफ ब्रिंजल प्लांट इक्वल टू 60 मीटर, ये 60 मीटर है यहां से यहां तक 60 मीटर, प्लस ये 20 मीटर, 20 मीटर प्लस ये वाला 20 मीटर, प्लस 10 मीटर, प्लस ये 80 मीटर, प्लस 30 मीटर, ये वाला 30 मीटर है ना, ये 10 और 20 यहां तक 30 है ना, तो ये 10 और 20 30 मीटर ही हो गया। अब हम इनको प्लस कर देंगे, 60 प्लस 20 80, 80 प्लस 20 100, 100 प्लस 10 110, प्लस 80 190, 190 प्लस 30 220 मीटर्स, ब्रिंजल प्लांट इक्वल टू 220 मीटर्स। ओके नाउ क्वेश्चन 9, राधिका जॉग्स अराउंड अ ट्रायंगुलर पैथ इन द पार्क एवरी डे, राधिका ट्रायंगुलर पार्क में एवरी डे जॉग करती है, इफ द साइड ऑफ द पैथ आर 40 मीटर्स 55 मीटर्स एंड 65, अगर पार्क की साइड्स 40 मीटर्स 55 मीटर्स और 65 मीटर्स हैं तो वो एक दिन में एक राउंड में कितना कवर करेगी, कितने डिस्टेंस कवर करेगी ना, तो हम क्या करेंगे उसका निकालते हैं सम। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर पैथ इन अ पार्क इक्वल टू
sum of all the sides equal to 40 meters plus 55 meters plus 65 meters. Okay, कितना आ गया, इनको प्लस कर लेंगे हम, 5 5 10 6 1 7 7 5 12 12 4 16 ट्रायंगल की शेप क्या साइड क्या होंगी, सब मिला के 160 मीटर्स। तो डिस्टेंस कितना हो गया 160। आंसर राधिका का वर्ल्ड 160 मीटर्स डिस्टेंस इन अ राउंड। ओके, अब आप ये सारे प्रॉब्लम्स और सम्स अपनी बुक में करेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।